चलते हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला चल रही है। फिर तीन अक्षर वाला शब्द सीखेगा, फिर दो दो शब्दों को सीखेगा। शुरू तो किया था क से, लेकिन करते 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 वो कहां पहुंच गया, क्योंकि वो एक एंट्रेंस पॉइंट था। हमारी पूरी शिक्षा जो है वो हमें कुछ करने जानने के लिए एक अवसर देती है, उसी को आधार बना करके हमें आगे बढ़ना होता है। कोई अगर सारे गम पधनी सा ये बहुत परफेक्ट कर ले, यानी हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो म्यूजिक की दुनिया के लोग हैं वो भी उसकी वाहवाही करें, वैसा ही सारे गम पधनी सा, लेकिन वो वहीं रुक जाए तो वो संगीत की दुनिया में कुछ कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? सारे गम पधनी सा संगीत की दुनिया में प्रवेश करने का एक एंट्रेंस पॉइंट है। उसको आत्मसात करने के बाद संगीत की सारी विधाओं में उसको जाने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैंने तो शिक्षा ले ली, सारे गम पधनी सा आ गया, अब मुझे संगीत आ गया, अब मुझे कुछ करना नहीं, तो होगा क्या? मतलब एक्चुअली जो हम सीखते हैं इसको डेली कसौटी पर कसना चाहिए, डेली। और टीचर जो क्वेश्चन आंसर करे उसकी कसौटी पे नहीं, जिंदगी की कसौटी पे कसना चाहिए। अगर मैंने क्लास में मुझे पढ़ाया गया कि भाई कम बोलने से फायदा होता है, तो फिर कभी कोशिश करनी चाहिए कि जब माँ बाप बहुत डांट रहे हैं, कुछ गलती करके आए हैं, तो ट्रायल करना चाहिए, वो जो कम बोलने वाला कहा था यहाँ काम आएगा क्या? अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे, तो आप रोबोट बन के रह जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए? नहीं चाहते हैं। हमारा नौजवान ऊर्जा से भरा हुआ, सपनों को लेकर चलने वाला, साहस सामर्थ्य दिखाने वाला, ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए हमने अन्य गतिविधियां एक्टिविटी उसमें उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए। ये ठीक है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए, लेकिन उस एक्टिविटी आने बिल्कुल बेकार, सब बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। एक समय था जब अवसर बहुत कम थे तो लगता था भाई एक बार किताबों की दुनिया से आगे बढ़ जाओ फिर रास्ते खुल जाएंगे। आज ऐसा नहीं है, आज अवसर बहुत है। और इसके लिए अगर हम कोशिश करें, हम प्रयास करें, तो हम अवश्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि हमने जीवन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी को बदल, लेकिन एक नई बुराई इन दिनों प्रवेश कर गई है, ये बुराई बहुत चिंताजनक है। क्या हुआ है, पेरेंट्स के लिए ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये एक प्रकार से फैशन स्टेटमेंट हो गया है। जब माँ बाप अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो उनको ये कहने का मजा आता है, मेरा बेटा सुबह क्रिकेट कोचिंग में जाता है, फिर 10 बजे टेनिस में जाता है, फिर 11 बजे स्विमिंग के लिए जाता है, फिर 5 बजे आरंगेत्रम मणिपुरी डांस सीख रहा है। उनको बड़ा मज़ा आता है। क्यों? कभी कभी माँ बाप सोच लेते हैं कि जो ग्लैमर ड्रिवन एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, सेलिब्रिटी के रूप में आपको अच्छा लगता है, ऐसी गतिविधि मेरे बेटे बच्चों से कराऊंगा, तब क्या होता है,
कि जैसे माँ बाप बच्चों पर एग्जाम को लेकर के दबाव डालते हैं, अब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी माँ बाप दबाव डालने लगे हैं। हो रहा है ना, कईयों को नहीं बोलेंगे। मैं आपकी मुश्किल जानता हूं, क्योंकि बोलेंगे और टीवी पे घर वाले देख लेंगे तो। लेकिन ये सही है, माँ बाप का भी काम है कि बच्चे के एक तो स्थानीय व्यवस्था में अवसर कहाँ कहाँ है, उसमें से उसकी रुचि वाली चीजें कौन सी है, माँ बाप ने उसके साथ बातें करते करते निकालना चाहिए और जिसमें उसकी रुचि है उस एक्टिविटी में ले जाना चाहिए। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कहीं ना कहीं तो बांधना चाहिए, तब जाकर के आप अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हो और जीवन में एक संतोष भी प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होंगे 35-40 साल के बाद ये करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके मन में बोझ रहता है, यार स्कूल के जीवन में ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो फिर उसके लिए वो जिंदगी बोझ बन जाती है। अगर आप स्कूली जीवन में विविधताओं भरे जीवन को कसने का आदत बनाते हैं तो आने वाले जीवन में ये बहुत उपयोगी होता है। जितना क्लासरूम में पाई हुई शिक्षा का महत्व बन जाता है, उतना ही 35-40 साल की उम्र के बाद ये अन्य चीजों से अपने आप को जो कसा हुआ है वो जीवन जीने के लिए बहुत काम आता है। और इसलिए एक को दूसरे का दुश्मन नहीं मानना चाहिए, एक दूसरे को नुकसान करना ऐसा मत मानना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए। और दूसरा, 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को तो मैं जरूर कहूँगा कि आप कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा कीजिए, डेली 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, आप उसी में लगे रहोगे, किताब ये बस एक एक चीज 10-10 20-20 बार करते रहोगे तो आप बिल्कुल बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। फ्रॉम द आइलैंड्स फॉर देयर प्रिस्टन बीचेस, के दिव्या, a class 10 student of Government Model Senior Secondary School, Andaman. She seeks respected Prime Minister's viewpoints on certain issues. Could we have the question, please? Honorable Prime Minister, sir, namaskar. I'm K. Divya of class 10 from Government Model Senior Secondary School, Andaman in Nicobar Islands. My question to you is, what should be the role of modern technology in a student's life? Question comes from Deepesh Rai, a student of class 12th of Namchi Senior Secondary School, South Sikkim, and has travelled all the way from Sikkim to be here with us in the audience to ask his question. Deepesh, apna prashn poochiye. Good morning, everyone. Honorable Prime Minister, my name is Deepesh Rai, studying in class 12 from Namchi Senior Secondary School, Sikkim. So my question is that many children in the world are using educational technology to learn better. So, how can it help us? धन्यवाद दीपेश। महोदय, दिव्या व दीपेश जानना चाहते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी छात्र जीवन में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। शायद पिछली शताब्दी के आखिरी कालखंड और इस शताब्दी का आरंभ कालखंड, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने पूर्ण रूप से जीवन को बदल दिया है। एक प्रकार से जीवन भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, और इसलिए टेक्नोलॉजी का भय ये कतई अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी है, मैं क्या करूं, आने नहीं देना चाहिए। दूसरा, अब टेक्नोलॉजी आई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं पहले तो ऐसे सोचता था, ऐसे करता था, अब नई चीज आई मैं कैसे कोप अप करूंगा। जी नहीं,
टेक्नोलॉजी को हम अपना दोस्त माने, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को हम पहले से समझने की कोशिश करें, हम प्रोएक्टिव हो। तीसरा, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना इनफ है क्या दोस्तों के बीच में छटाके मारने के लिए काम आएगा कि मुझे ये पता है कि दुनिया में ये हो रहा है, कैमरा ऐसा निकला है, मोबाइल फोन ऐसा निकला है? नहीं। जब मैं टेक्नोलॉजी के विषय में जानता हूँ तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं जिस प्रकार की सोच को लेकर के काम कर रहा हूँ मेरे लिए इसमें उपयोगी कैसे होगा। क्या मैं टेक्नोलॉजी को मेरे लिए लाऊंगा कि टेक्नोलॉजी मेरा समय खा जाएगी? ज्यादातर अनुभव ये आ रहा है कि कईयों का समय टेक्नोलॉजी चोरी कर लेती है। आप में से कितने हैं जो स्मार्टफोन उपयोग करते हैं? बताइए ना, संकोच मत कीजिए, आपके टीचर नहीं देख रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये स्मार्टफोन कितना समय आपका चोरी करता है, और मान लीजिए उसमें से 10% कम करके अपने माँ दादा दादी इनके साथ अगर बिता, 10 मिनट में कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, आज आपका स्मार्टफोन जितना समय खाता है, जितनी चोरी कर जाता है, उसमें से 10 मिनट अपने दादा दादी माँ उनके साथ बैठ के बिताओ, तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा उपकारक बनेगी कि दादा दादी के साथ खुले मन से 10 मिनट की बात उपकारक? क्या होगा? मतलब टेक्नोलॉजी हमारा समय चोरी कर जाए, टेक्नोलॉजी हमें खींच के ले जाए, इससे हमें बचना चाहिए। हमारे में वो ताकत होनी चाहिए कि मैं टेक्नोलॉजी को मेरे कब्जे में रखूंगा, मैं टेक्नोलॉजी को मेरी इच्छा के अनुसार उपयोग करूंगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी के प्रति, और मुझे खुशी होती है, आप देखिए कभी रेलवे स्टेशन पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे एक पूछताछ की विंडो होती है, वहाँ पर कोई अफसर बैठे होते हैं, ट्रेन कब आएगी, क्या जाएगी, रिजर्वेशन का पूछने के लिए जाते हैं। लेकिन उसी पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता है, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला बोर्ड होता है, उस पर सब लिखा होता है, ये ट्रेन का नाम है, कहाँ से कहाँ जाती है, कितने नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेट चल रही है कि समय पर, सब लिखा हुआ होता है। लेकिन हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वे क्या करते हैं, खिड़की के पास कतार लगा के खड़े हो जाएंगे, हैं 20 नंबर 30 नंबर खड़ा रहूँगा, ऊपर देखूँगा, पढ़ूँगा नहीं। मेरे सवाल का जवाब वहाँ है, वो बता रहा है कि दिल्ली एक्सप्रेस, जम्मू तावी एक्सप्रेस इतने बजे जाने वाला है, इतने नंबर पे जाएगा, 5 मिनट लेट है, 7 मिनट, लेकिन मैं जब तक उसको नहीं पूछता हूँ। आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं कि किसी को मैसेज करेंगे फिर फोन करके पूछेंगे मेरा मैसेज मिला। और इसलिए टेक्नोलॉजी का हम, आज की पीढ़ी क्या करती है, वो घर से ही मोबाइल फोन पर गूगल गुरु से बात कर लेती है और देख लेती है ट्रेन कौन सी लेट है कौन सी नहीं है, वो घर से ही कितने बजे निकलना तय करते ही नहीं करते, मतलब उसने टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया। एक पीढ़ी वो है सामने है फिर भी देखने को तैयार नहीं जब तक पूछता नहीं है, आज नई पीढ़ी वो है जो पूछने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है मेरे पास है मैं इसको पूछूंगा वो, और जो कहेगा वही सही से। इसका मतलब कि उसको टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या हो ये उसको करना आ गया। मैं आपसे आग्रह करूं, जैसे वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या कभी हम अपनी मातृभाषा की डिक्शनरी या किसी अन्य एक भाषा की डिक्शनरी, जो भी आपको पसंद आए, अंग्रेजी करना है अंग्रेजी, क्या डेली अपने मोबाइल फोन में जो डिक्शनरी है तय करेंगे कि आज मैं
कम से कम 10 नए स्पेलिंग और उसका मीनिंग दिन भर में जब भी जाऊं मोबाइल फोन निकाल करके देख लूंगा, याद कर लूंगा पर डे 10। बोलिए टेक्नोलॉजी उपयोगी हुई कि नहीं हुई? तो टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना है, कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप के और आपका झगड़ा इस बात पे हो कि दिन भर दोस्तों के साथ बैठे रहते हो, टेलीफोन पे लगे रहते हो, तो ये तो ठीक से नहीं है। किसी समय सोशल नेटवर्किंग ये बहुत आवश्यक माना जाता था। रोज लोग 1 घंटा 2 घंटा शाम को निकलते थे, किसी फंक्शन में जाएंगे, दोस्तों के यहाँ जाएंगे, मिलते रहते थे। क्यों? कि जीवन समाज व्यवस्था से जितना ज़्यादा जुड़ करके रहता है उतना दोनों पक्ष में लाभ होता है, ये स्वाभाविक व्यवस्था है। लेकिन धीरे धीरे उस सोशल नेटवर्किंग शब्द का इतना विकृति आ गई टेक्नोलॉजी के कारण कि अब सोशल नेटवर्किंग हमारा व्हाट्सएप कर रहा है। ये सोशल नेटवर्किंग उस सोशल नेटवर्किंग की कल्पना से एक प्रकार की विकृति है। आप पहले हम अपने दोस्त को जन्मदिन है तो सुबह चले जाते थे, जरा सरप्राइज देने का मजा आता था। अब क्या, रात को 12 बजे भी टेक्नोलॉजी को बता करके देते हो? टेक्नोलॉजी ही व्हाट्सएप कर देती है, मैं सो जाता हूं। अब ये जो जीवन की जगह प्राण तत्व को अगर टेक्नोलॉजी हड़प कर लेगी तो फिर जिंदगी हमारी बहुत शुष्क हो जाएगी, और इसलिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग भी होना चाहिए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं होने चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी हर पल बदलती जा रही है जी। आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, हर नई टेक्नोलॉजी के प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए, जानना चाहिए, समय निकाल करके चोरों को पूछना चाहिए क्या नई टेक्नोलॉजी आई है। इसकी भी रुचि विद्यार्थी काल में हमने डेवलप करनी चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं व्यक्ति के जीवन में कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी के प्रति मेरा जो आकर्षण रहा, टेक्नोलॉजी में मुझे आता कुछ नहीं है लेकिन जानने का शौक रहा क्या है भाई, किसी किसी को सुनता हूँ तो पूछता हूँ, हवाई जहाज में मेरे बगल में कोई बैठा हो, अब तो वो मौका नहीं मिलता है क्योंकि अब तो सरकारी व्यवस्था में फंसा पड़ा हूँ, लेकिन पहले जहाज में जब जाता था तो मैं कोई बगल में किसी है तो मैं पूछता था, अरे भाई ये क्या चीज़ है आपके पास, इसका क्या उपयोग होता है, कैसे होता है, क्यूरियोसिटी मेरे मन में रहती है और मुझे उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मैं भी आपसे चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को अपने जीवन के विकास में एक साथी के रूप में जोड़ दीजिए आप, लेकिन जिंदगी का हिस्सा टेक्नोलॉजी मत बनने दीजिए, जिंदगी का हिस्सा। और इसके लिए आपने देखा होगा आजकल परिवार में 3 लोग हैं, सभी 3 कोने में बैठे हैं, हर कोई मोबाइल में बिजी है। 2 काम आप कर सकते हैं, क्या करेंगे? करेंगे? मैंने काम तो बताया नहीं, क्या करोगे? देखिए, एक काम आप जीवन में तय करेंगे पर डे, इतना समय मेरा 1 घंटा 2 घंटा केयरफुल, जो मैं खाली हूं लेकिन मैं अपने आप को टेक्नोलॉजी से दूर रखूंगा, पर डे 1 घंटा 2 घंटा टेक्नोलॉजी फ्री आवर। क्या कर सकते हैं आप? कोई गैजेट नहीं, कुछ नहीं, मैं, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरा बगीचा, मेरे घर में अगर कुत्ता है तो कुत्ता, जो भी है, बिल्ली है तो बिल्ली, जो भी है, ये 1 घंटा मैं तय करूं, नो टेक्नोलॉजी। ऐसा कर सकते हैं क्या? जिस परिवार में 2-3 कमरे होते हैं, कुछ बहुत ही गरीब परिवार है उनके लिए तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन 2-3 कमरे हैं, क्या आप तय कर सकते हैं माँ बाप से आज बैठ करके वापिस जाने के बाद कि घर के अंदर 1 कमरा ऐसा तय करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को नो एंट्री? उस कमरे में जो ही आएगा बिना टेक्नोलॉजी बैठेंगे,
आप जरा करके देखिए, जिंदगी बहुत नए अनुभव वाली हो जाएगी। तो एक प्रकार से मैं टेक्नोलॉजी के अतिशय महात्मा भी देता हूँ, एट द सेम टाइम मेरे भीतर का इंसान रोबोट न बन जाए इसकी भी चिंता करता हूँ, और इसलिए दोनों को बैलेंस बना करके चलने के कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मान्यवर, आपके सानिध्य को पाकर हम जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। आपका धन्यवाद। उगते सूरज का प्रदेश अरुणाचल, यहाँ के जीएनवी पापन पारे से तापी अकु सभागार में उपस्थित है, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अकु, अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वेरी वार्म ग्रीटिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश। आई एम तापी अकु, स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 12 फ्रॉम जेएनबी पापुम परे अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री जी, आपने पार्लियामेंट में अधिकारों और कर्तव्यों पर भाषण दिया था, वो मुझे बहुत पसंद आया। आपके अनुसार देश के नागरिकों को कर्तव्यों के प्रति हम कैसे सजग बना सकते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद अकु। फॉर अ क्वेश्चन सिमिलर टू दिस वन, वी हैव विद अस शैलेश कुमार फ्रॉम केवी गिल नगर चेन्नई। ही इज अ क्लास 11 स्टूडेंट फ्रॉम तमिलनाडु, अ स्टेट famed for its heritage temples. The next question is from him. Could we have the question, please? Namaskar, sir. My name is P. Shailesh Kumar. I am a student of class 11, studying in Kendra Vidyalaya, Gilnagar, Chennai. Sir, being a student, what are my rights and what duties I need to perform? Thank you. Thank you, Shailesh. Isse milta julta ek prashn aur bhi hai. मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व से गौरवान्वित गुजरात के महाराजा अग्रसेन विद्यालय से गुनाक्षी शर्मा इस साक्षात आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। गुनाक्षी, अपना प्रश्न पूछिए। सुप्रभात, मेरा नाम गुनाक्षी शर्मा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात के महाराजा अग्रसेन विद्यालय में पढ़ती हूँ। माननीय, मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि मैंने सिविक्स में नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में पढ़ा है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कृपया बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद गुनाक्षी। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आग्रह है कि शैलेश, गुनाक्षी एवं अकु की नागरिक कर्तव्यों के विषय का जिज्ञासा का समाधान करें। सबसे पहले तो ये सवाल मुझे अरुणाचल की बेटी ने पूछा है, और मैं स्वाभाविक मानता हूं कि अरुणाचल की बेटी के मन से ऐसा ही सवाल निकलेगा। आपके मन में होगा ऐसा क्यों? आप में से शायद कोई अरुणाचल गए होंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं। इस देश में अरुणाचल एक प्रदेश ऐसा है कि जो एक दूसरे को जब मिलते हैं तो जय हिंद करके ग्रीट करता है। ये हिंदुस्तान में बहुत रेयर है। आपको कोई भी मिलेगा तो जय हिंद करेगा, और उसका कारण 1962 के वॉर के बाद अरुणाचल का जो मिजाज बना है, उसी प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा के सिवाय देश के अंदर जीवन में ज़्यादा प्रचार के लिए अंग्रेजी में भी उतनी मास्टरी, हिंदी में भी उतनी मास्टरी की है। आप वहाँ के बच्चों को मिलोगे तो आपको लगेगा, और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि कभी न कभी वैकेशन में दौरा करने का मन करे तो आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए। जाएंगे? नहीं, पहले तो सिंगापुर जाएंगे, फिर दुबई जाएंगे, हैं, उसके बाद मौका मिला तो जाएंगे, ऐसा करेंगे ना? हमारा देश सचमुच में अद्भुत है, अनुभव करने जैसा है। मैं आज यहाँ जब आया तो अलग अलग बच्चों के जो पेंटिंग थे वो मुझे बता रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा कि
कि बच्चे अपनी मातृभाषा के सिवाय किसी दूसरी भाषा में अपना परिचय करवा रहे थे। महाराष्ट्र की बच्ची उड़िया भाषा में परिचय करवा रही थी, देहरादून की बच्ची मलयालम भाषा में परिचय करवा रही थी। क्यों? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो एक हम लोगों का काम चल रहा है, उसको लेकर के इन सब बच्चों ने कोशिश की है। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, अपनी मातृभाषा, फिर अंग्रेजी भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा, उसके सिवाय हमारे देश में इतना समृद्ध खजाना है, कोई न कोई एक भाषा से परिचय करना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। अब विषय आया है कर्तव्य। एक तो अधिकार और कर्तव्य, ये साथ साथ जो बोला जाता है वहीं से गड़बड़ हो जाती है। यानी अधिकार भाव कोई एक व्यवस्था है, कर्तव्य भाव को दूसरी व्यवस्था है। जी नहीं, हमारे कर्तव्य में ही सबके अधिकार समाहित है। अगर मैं टीचर के नाते अपना कर्तव्य निभाता हूं तो विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है? विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है? तो फिर अधिकार और कर्तव्य का झगड़ा नहीं रहता है। महात्मा गांधी बहुत आग्रहपूर्वक कहते थे कि मूलभूत अधिकार नहीं होते हैं, मूलभूत तो कर्तव्य होते हैं, और अगर ईमानदारी से हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तो फिर किसी को अपने अधिकार के लिए कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अधिकार उसमें संरक्षित ही होंगे।